मित्रों आज हम चर्चा करेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा, आपने सुना साकार निराकार के विषय में, तो ईश्वर की प्राप्ति क्या है, ईश्वर साकार है निराकार है। जैसे कि हमने समझने का प्रयास किया कि निराकार क्या हो सकता है, कोई वस्तु निराकार कैसे हो सकती है, इस संसार में कोई वस्तु निराकार नहीं हो सकती है, अन्यथा प्रत्येक वस्तु ही निराकार है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, किसी का कोई निश्चित, लेकिन एक निश्चित काल में, एक निश्चित समय में तो प्रत्येक वस्तु साकार रूप लिए हुए है। समय के अनुसार परिवर्तन सबके अंदर है, मनुष्य का शरीर भी बाल्यावस्था में कुछ और है, युवावस्था में कुछ और फिर वृद्धावस्था में कुछ और हो जाता है। तो क्या हम इसे निराकार कह देंगे? किसी निश्चित समय निश्चित काल में वो एक साकार रूप लिए हुए है, उसकी एक सीमा है। उसी प्रकार से संपूर्ण भाव जगत में कुछ भी निराकार नहीं है, कुछ भी निराकार नहीं है, जो कुछ भी है वो सब साकार। हाँ, सूक्ष्म हो सकता है, स्थूल हो सकता है, लेकिन निराकार नहीं हो सकता। फिर ईश्वर निराकार है, परमात्मा निराकार है, भगवान जिसे हम कहते हैं अव्यक्त ब्रह्म, वो सनातन अव्यक्त आदि निरंजन निरंकार उसे कहा जा रहा है। तो किसे कहा जा रहा है, किस तत्व को कहा जा रहा है? तो शास्त्रों के अनुसार वो अव्यक्त ब्रह्म है, जो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम है, मन बुद्धि के परे। न श्रोत्रे न जीवे न च घ्राण नित्रे, जो जीवा के परे, हमारे नासिका के परे, हमारे कानों के परे, हमारे दृष्टि के परे है, नेत्रों के परे है, उसे कहा जा रहा है। वो अव्यक्त ब्रह्म निराकार है, उसको निराकार, वो फिर अव्यक्त ब्रह्म, फिर वो भावातीत है। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में आपने श्रवण किया, भावातीत, वो भावनाओं से परे है, शब्दातीत है, जो शब्दातीत है वो भावातीत है, वो भावनाओं में भला कैसे उतरेगा, किस प्रकार से उतरेगा? इसलिए जो ब्रह्म का ज्ञान है, जब हम ब्रह्म की बातें करते हैं, अव्यक्त ब्रह्म की बातें करते हैं, तो उसका आधार या तो लिखी हुई बातें हैं, महापुरुषों की, शास्त्रों की बातें, या फिर अनुमानिक ज्ञान पर आधारित है, अनुमान के आधार पर हम अव्यक्त ब्रह्म की बातें करते हैं। लेकिन निराकार ब्रह्म, अब निराकार की पूजा नहीं होती है, ये आप जान लें। किसी भी शास्त्र में, हम वैदिक शास्त्र की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आप किसी और मत को उसमें ना जोड़ें, उसकी चर्चा करेंगे वैसे, लेकिन किसी भी शास्त्र में अव्यक्त ब्रह्म की पूजा की चर्चा नहीं है, उसकी पूजा नहीं होती है, क्योंकि हो नहीं सकती है। जो भावातीत है, आप उसे क्या अर्पित करेंगे, क्या देंगे आप पूजा में? जैसे कि लोग देते हैं, अर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में, पुष्प अर्पित किया, किसी ने फल अर्पित किया, खाद्य वस्तु अर्पित की, अपना जो भी भाव है, अपने भावनाओं को ही अर्पित किया, अपने मन को ही अर्पित किया, अपने विचारों को ही अर्पित किया, तो आप अव्यक्त ब्रह्म को ये सब कुछ दे नहीं सकते, तो उसकी पूजा नहीं हो सकती, उसकी पूजा होती भी नहीं है, उसकी पूजा का विधान भी नहीं है, ब्रह्म की पूजा नहीं होती है।
उसकी पूजा का कोई विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। हाँ, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं उनकी पूजा होती है। अब हिंदू धर्म में आप देखें कि मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का प्रचलन है, तो कई विवाद खड़े होते हैं मूर्ति पूजा को लेकर कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। अब हम देखिए कहां क्या लिखा है वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है, और तर्क क्या कहता है, एक हम एक परिवेश के अंदर देखें कि क्या कहा जाए, क्या चीज आवश्यक है, क्या चीज अनिवार्य है, क्या चीज जरूरी है, क्या चीज सही है, क्या वो अपनी जगह पर सही है भी कि नहीं है, या हम ऐसे ही, और अगर सही नहीं है तो उसके लिए क्या तर्क है। अब किसी ने कहा मुझे तर्क देते हुए कहा कि तस्य प्रतिमा नास्ति, कि उसकी प्रतिमा नहीं होती है तो मूर्ति उसकी कैसे संभव है, उसकी प्रतिमा नहीं होती है। प्रतिमा, प्रतिमा शब्द का अर्थ है उसका प्रति, उसका कॉपी नहीं हो सकता है। तो जब उसकी कॉपी नहीं हो सकती है तो वो क्या चीज है भाई, अव्यक्त ब्रह्म, वो ईश्वर जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, या फिर जैसे कि पूरी दुनिया में जो अनेक मतांतर मत हैं, संप्रदाय हैं, धर्म है, चलो वैसे धर्म तो कभी अनेक नहीं होता, लेकिन यहां पर हम समझने के लिए बताते हैं आपको, कहते हैं तो वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, गॉड इज वन। तो ये जो एक कहना, अब फिर उस गॉड से आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो, उसको नमाज अदा करो, वो एक है, उसका प्रतिमा नहीं होता, तो इस तरह की कई बातें हैं, उसकी मूर्ति नहीं होती, मूर्ति पूजा गलत है, पर कई तरह की बातें हैं। ये कल्पना है, अपनी मर्जी से आदमी ने बना दिया, मूर्ति बना दी, ये बना दी, कल्पना है, इमेजिनेशन है, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कल्पना के ऊपर। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये जो एक परमात्मा है जिसको कहा जा रहा है कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, क्या ये इमेजिनेशन नहीं है, ये भी तो कल्पना है। जब आप उसे एक कहते हैं और उसे एक मानकर आप उससे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जिसको एक कहा गया, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म कहा जाता है, उसे भावातीत माना गया है, भावनाओं के परे माना गया है, तो वो एक भी तो नहीं हो सकता ना फिर, क्योंकि एक का तो भाव यहां आ गया। तो जो भावातीत है, जो भावनाओं के परे है, आप उसे एक भी कैसे कह सकते, वो एक भी नहीं है। गॉड इज नो वन एक फिलॉसफी है, नो वन की फिलॉसफी, नो वन या फिर एवरीवन, सबके भीतर है, सर्वव्यापी है, सनातन है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, कण कण में विराजमान है, जग के इस संसार के प्रत्येक कण में विराजमान है उसकी शक्ति, उस ब्रह्म की, या तो एवरीवन या तो नो वन। लेकिन जब आप एक कहते हैं और फिर उस एक से प्रार्थना करते हैं, आप जो भी नमाज के रूप में करते हैं, प्रेयर के रूप में करते हैं, उस एक प्रभु से बैठकर आप, चाहे आप किसी भी मत को मानने वाले हो, आप प्रार्थना करते हैं, तो ये भी तो एक आप कल्पना, एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं आप। हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, गलत होना एक अलग विषय है और कल्पना होना एक अलग विषय है। सही है, कोई आप एक पॉजिटिव इमेजिनेशन भी करते हैं पॉजिटिव वे में तो वो भी गलत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा है भाई। लेकिन जब हम ब्रह्म की बात करते हैं, जब हम ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सनातन है, जिसके अंदर कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, स्थिर है, ये परिवर्तनशील दुनिया के परे है वो, तो वो भावातीत है, वो थॉटलेस है, वो विचारातीत है, निर्विकल्प है, उसी को निराकार कहा गया। उसकी पूजा नहीं होती, उससे प्रार्थना नहीं होती। अगर करोगे प्रार्थना तो मनोबुद्धि अहंकार अचित्तानी नाहम नहीं रह जाएगा, वो तो मनोबुद्धि अहंकार के अंदर आ गया, और जो मनोबुद्धि अहंकार के अंदर आया वो अव्यक्त ब्रह्म नहीं होता, वो अव्यक्त ब्रह्म नहीं होता, फिर वो निराकार सत्ता नहीं होती, वो भाव जगत की ही सत्ता होती है, जो कि आपके विश्वास के आधार पर है, आपका एक बिलीफ सिस्टम है,
आप कल्पना पर भी बिलीव कर लोगे तो वो वर्क करेगा, वो बिलीव सिस्टम वर्क करेगा, उसकी शक्ति, क्योंकि भावनाओं की ताकत होती है। इस संसार में जितने भी चमत्कार होते हैं ना, धर्म के नाम पर लोग कहते हैं कि चमत्कार हो गए, हम पर भगवान की कृपा कर दी, हम हमारे ऊपर श्री कृष्ण जी की कृपा हो गई, ईसा मसीह की कृपा हो गई, ये सब भाव जगत की घटनाएं हैं, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, साइकोलॉजिकल पावर्स हैं। उस बिलीफ सिस्टम के अंदर ये सारी घटनाएं घटती हैं, इस भाव जगत के अंदर ये सारी घटनाएं घटती हैं। इससे भावातीत का कोई लेना देना नहीं है कि आपके ऊपर कितनी कृपा हुई और आपके ऊपर आपके साथ कितना चमत्कार हुआ, जिसको हम निर्विकल्प और निराकार कह देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब बात आती है कि हम एक परमात्मा है और एक दूसरी तरफ मूर्ति पूजा, उसका मूर्ति नहीं हो सकती है, उसकी मूर्ति नहीं हो सकती है। अभी पीछे क्या हुआ कि कोई थे, कोई विद्वान वो मूर्ति पूजा खंडन कर रहे थे, और खंडन करते होते से प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा नहीं होती। तो हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा कि हाँ भाई, जो हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर जाता है, अति चेतन अवस्था की ओर चला जाता है, उसे मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसका मतलब यह है कि हम और मेरे जो समाज के लोग हैं वो हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर गए हैं, इसलिए उनको मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सत्य तो यह है कि जो हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर गया, जो अति चेतन अवस्था को प्राप्त कर गया, उसे प्रार्थना भी नहीं करना पड़ता, उसे नमाज भी नहीं करना पड़ता, उसे चर्च में बैठकर प्रेयर भी नहीं करना पड़ता, उसे ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, प्रेयर नहीं करनी पड़ती उसे, जो अति चेतन हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर जाता है, वो तो ध्यान करता है, अष्टांग योग जहां पर आता है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो तो इसमें जाकर इसमें डूबता है, जो अति चेतन अवस्था को, हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर जाता है। हाँ, तो वो एक अलग बात है, उसकी मर्जी है, वो पूजा करेगा नहीं करेगा, वो मूर्ति को पूजेगा या किसको, लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करे, वो उसके सामने नमन करे या नमाज करे, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता ही नहीं। आप ईश्वर को एक कहो या दस कहो, बात बराबर ही है, आप एक ही नाव में सवार हैं, कोई अलग अलग नाव में सवार नहीं है, आप एक मानिए, क्योंकि आप मान रहे हैं, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं। जब आप एक भी कह रहे हैं तो भी कल्पना कर रहे हैं, जब आप उसे दस भी कर रहे हैं तो भी कल्पना कर रहे हैं, जब आप उसे मूर्ति के रूप में पूज रहे हैं तो भी कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन तो है आपकी। तो इसलिए ये इलॉजिक यहां पर हो गया कि हम हायर कॉन्शियसनेस को, यह जो हायर कॉन्शियसनेस को जो अचीव कर जाता है, उसे जरूरत नहीं पड़ती कि वो कुछ प्रार्थना भी करे, कहीं किसी मंदिर में जाए या किसी मस्जिद में, उस वो जहां पर बैठ गया वहीं उसका सब कुछ है। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मूर्ति पूजा, अब हम आते हैं साकार, इस साकार सृष्टि के अंदर साकार की पूजा किसकी होती है? अव्यक्त ब्रह्म की पूजा नहीं होती है पूजा इस संसार में। अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो पूजा का विधान सिर्फ देवी देवताओं के लिए है। अब मूर्ति पूजा भी होती है तो उन्हीं की भी होती है। अब मूर्ति पूजा गलत, हाँ ठीक है, जब हम ब्रह्म की बात करते हैं, अगर हम किसी मूर्ति को या किसी भी फोटो को, किसी भी तस्वीर को अगर हम ब्रह्म समझ लें कि वो अव्यक्त ब्रह्म है, वो निराकार परमात्मा है, वही सब कुछ है, तो अगर हम उसे अपना लक्ष्य बना लें तो निश्चय ही हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें देवी देवता की तरह पूछते हैं, उन्हें एक शक्ति के रूप में पूछते हैं, जैसे पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी, अष्टभुजाधारी देवी का रूप होता है और उसको हम पूछते हैं, तो अगर उससे हमें कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मकता हमें प्राप्त होती है, और निश्चित रूप से होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, संशय नहीं। आप किसी, आप अपने घर के अंदर एक देवी की फोटो लगा लो, दुर्गा जी की, दुर्गा जी का स्वरूप हो, गणेश जी का हो, शिव जी का हो, किसी भी देवी देवता का हो, और दूसरी तरफ जो है आप किसी फिल्मी सितारे की फोटो लगा लो, तो फिल्मी सितारे की फोटो देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होंगे, और जो देवी देवताओं की फोटो देखकर, संतों की तस्वीरें उनको देखकर जो भाव उत्पन्न होंगे, दोनों में बहुत अंतर होगा, दोनों में बहुत ही फर्क होगा। तो इस फर्क को समझने की आवश्यकता है। इसलिए एक साधन है अपनी भावनाओं को अर्पित करने का, यह भाव जगत का विज्ञान चलता है संपूर्ण सृष्टि के अंदर, यह भाव भव सागर है, यह भाव जगत है,
इसके अंदर भावनाओं का आदान प्रदान होता है, इसके अंदर भावनाओं की प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, इमोशंस की, थॉट्स की, फीलिंग्स की। मैं कुछ बोल रहा हूं आपके अंदर, जरूर आप सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आपके भीतर चालू होगा। हम मैं स्वयं किसी को सुनता हूं, पढ़ता हूं किताबों, किसी से बातचीत, तो थॉट्स का, भावनाओं का, फीलिंग्स का रिएक्शन होता है, मिक्सिंग होता है। तो भावनाओं को मजबूत करना ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है कि आप कैसे भाव शक्ति को प्रदान प्राप्त करें। तो जब बात मूर्ति पूजा की आती है तो यहां पर यह विज्ञान लागू हो जाता है और वो बात फिर सही हो जाती है, उस स्थान पर उस तरीके से सही हो जाती है। हाँ, ये बात सत्य है कि किसी भी देवी को, किसी भी देवता को आप पूर्ण ब्रह्म मानकर पूछते हैं तो ये आपकी, ये यहां पर भी आप एक कल्पना ही कर रहे हैं, इमेजिनेशन ही कर रहे हैं, कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। तो जो है पूछते हैं, लेकिन आप उसको एक शक्ति, एक भाव समझकर पूछते हैं, उस देवी के एक रूप से कि देवी ने अष्टभुजा धारण किया हुआ है, महिषासुर का वध कर रही, वो एक भाव है, उस मूर्ति से एक भाव उत्पन्न हो रहा है। गणेश जी का एक स्वरूप है, हाथ में उन्होंने मोदक धारण किया है, श्रुतियों को धारण किया है, शंख पद्म धारण उन्होंने ऐसे किया हुआ, तो एक अंकुश पाश और अंकुश धारण किए हुए हैं, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, चार हाथ हैं उनके, तो अंकुश और पाश तो एक भाव है उसके अंदर। भगवान कृष्ण का कोई स्वरूप है, कोई फोटो, तो उसके अंदर एक भाव है। तो आप मूर्ति उससे एक सकारात्मक भाव ग्रहण कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो है। जब आप पूज रहे हैं, जब आप एक भाव शक्ति को कि वो एक शक्ति स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, जिस भी रूप में है, आप उस भाव को सम्मानित कर रहे हैं। आप विश्वकर्मा जी की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना दी जाती है यहां पर, तो कोई भी भाव आपको मिल जाए उस भाव के वशीभूत बना दो मूर्ति, ये तो भाव पर निर्भर करता है। तो आप उस भाव को समर्पित कर रहे हैं, उनको आप समर्पित कर रहे हैं, तो आप उससे सकारात्मकता ग्रहण कर रहे हैं, आप उससे बहुत कुछ ले रहे हैं भाव के रूप में, भावनाओं के रूप में। तो इसलिए उस स्थान पर, उस दृष्टिकोण से मूर्ति पूजा गलत नहीं है, लेकिन उसमें पाखंड फिर कहते कि नहीं मूर्ति पूजा के कारण पाखंड कब है, जब भाव खराब हो जाए। खेल तो भावनाओं का ही है, तो पाखंड तब आ जाता है जब हम विपरीत, पाखंड का अर्थ ही यही है कि भाई करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। अभी पीछे एक जगह पर गए, एक स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त होगा, स्थान का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आप भी उस स्थान से जुड़े हो सकते हैं। तो घटना क्या थी कि गणेश विसर्जन का समय था और विसर्जन के लिए मूर्ति ट्रक पर, बड़े से ट्रक पर लेकर जा रहे थे, बहुत सारे युवा समाज कि लोग, बहुत सारे युवक उस ट्रक के पीछे पीछे नाचते गाते हुए जा रहे थे। उनको देख के लग रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ नशे की चीजें पी रखी होगी, उन्होंने शराब पी रखी होगी, मदिरा का सेवन किया होगा, तो उनको देख के लग रहा है कि उन्होंने ऐसा सेवन कर रखा है, ऐसी स्थिति में है और वो नाच रहे हैं और गाने भी कोई भजन वजन नहीं चल रहे, विसर्जन के लिए जा रहे हैं, बस फिल्मी गाने बजाए जा रहे हैं। तो बुद्धि विवेक के देवता है गणेश जी और बुद्धि विवेक का हनन हो रहा है, तो ये पाखंड हो गया, ये पाखंड हो गया। सच्चाई तो ये है कि लोग अपने स्वार्थ को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं और नाम भगवान कर लेते हैं। तो ये सत्य बात है कि धर्म के नाम पर पाखंड है, मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मूर्ति पूजा ही गलत है। हाँ, उसको लेकर कई प्रचलन, कई चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन मूर्ति को पूजना या किसी ऐसे मूर्ति से कोई ऐसा सकारात्मक भाव को ग्रहण करना, या उनको ऑफरिंग्स हैं, कई तरह की ऑफरिंग्स हम देते हैं, दान दक्षिणा हम देते हैं पूजा पाठ के समय, और कई तरह से, कई विधि से हम पूजा करते हैं, तो ये जो कुछ भी है ये समझना पड़ेगा कि देवता कौन होते हैं। जब हम देवताओं को समझेंगे कि वास्तव में शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर देवताओं की चर्चा आती है, आप ये मत कहना कि भाई वेदों में तो ब्रह्म को, अभी किसी ने कहा था कि ब्रह्म को, ईश्वर को निराकार बताया, ठीक है ईश्वर को निराकार बताया गया है कुछ सूत्रों में, कुछ श्लोकों में, कुछ छंदों में आपको ऐसा मिल सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से वेदों के अंदर देवताओं का वर्णन है, कर्मकांड वेदों का ही अंग है, उसी से ही डिराइव हुआ है, निकला है। तो इसलिए देवता कौन होते हैं,
जब हम देवताओं को समझेंगे तो पूजा का महत्व भी समझेंगे। ये सत्य बात है कि कलयुग के पहले मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, बाद में हुआ। लेकिन मूर्ति पूजा कोई गलत चीज है? गलत तब है जब उसके नाम पर पाखंड हो, गलत काम हो, तो निश्चय ही गलत है। लेकिन अगर उससे किसी संत की फोटो हो, चाहे कोई भी हो भाई, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते वो भी तो अपने घर में किसी जो जिस भी धर्म को मानते हैं फोटो लगा लेते हैं, चाहे वो अपने किसी बिल्डिंग का लगा लें या जो भी किसी का, क्यों भाई? एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव वाइब्स रिसीव करने के लिए, कि जैसी हमें उस पर फोटो पर हमारी दृष्टि जाए तो हमारे अंदर एक सकारात्मक, एक विश्वास ईश्वर के ऊपर, एक विश्वास की भावना प्रकट हो, एक वो प्रकट हो, तो सकारात्मकता को लेने के लिए ये शुरू हुआ। इसलिए मूर्ति पूजा अगर भाव जगत से, अगर भाव के दृष्टिकोण से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो मूर्ति पूजा कहीं भी गलत नहीं है। वो आपको सकारात्मक भावनाओं से भर देती है, सकारात्मक भावनाओं से भर देती है, एक शक्तिशाली भावनाओं से भर देती है, एक प्रेममयी, एक सद्भावनाओं से भर देती है। तो वहां पर भाव शक्ति का विज्ञान शुरू हो जाता है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब माँ 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 कह के पुकारते थे तो उनकी भावनाओं में इतनी वेदना होती थी, इतनी तीव्रता होती थी कि काली को साक्षात प्रकट होना पड़ता था। लेकिन जो प्रकट हुआ वो था कौन? रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की भाव शक्ति थी जो कि काली का रूप धारण करके प्रकट हो जाती थी। तो भावनाओं के अंदर अद्भुत ताकत होती है, अद्भुत शक्ति होती है। लेकिन ब्रह्म तक पहुंचने के लिए भावातीत अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है। कैसे भावनाएं ही साधन बन जाती हैं भावातीत तक पहुंचने के लिए, यह समझना आवश्यक है। निराकार को प्राप्त करने के लिए साकार साधन है, साकार साधन है, तो मूर्ति पूजा भी साधन बन सकता है। लेकिन कैसे? जब भाव पवित्र हो, जब भावनाएं सही हो। और जहां भावनाएं सही नहीं होगी वहां तो पाखंड आ ही जाएगा, वहां तो आडंबर आ ही जाएगा। इसलिए समझने की आवश्यकता, आज देश में धर्म के नाम पर बहुत कुछ है। हिंदू धर्म में पाखंड सत्य बात है, मूर्ति पूजा के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, मंदिरों के नाम पर बहुत कुछ है। लेकिन जिसको पाखंड नहीं करना, जिसको भक्ति करनी है, वो अपने अंदर भाव शक्ति भावनाओं का तूफान खड़ा करता है और उस भाव शक्ति को प्राप्त भी होता है। साकार माध्यम बनता है निराकार तक पहुंचने का। किस प्रकार से हम आगे के व्याख्यानों में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मूर्ति पूजा का सकारात्मक महत्व तो हम समझ पाए। और देवता कौन है, किसे देवता कहते हैं? हमारे वेदों में, शास्त्रों में देवता होने का, देवता कहलाने की उपाधि किसे दी गई है? कौन देवता हो सकता है, किसे देवता कहा जा सकता है? ये समझने की आवश्यकता है, ये जानने की आवश्यकता है। गलत कुछ भी नहीं है, गलत बस मनुष्य की भावनाएं ही होती हैं। वो गलत हो गई तो सब कुछ गलत है, वो गलत हो गई तो फिर सब कुछ गलत ही है। चाहे वो कोई भी, किसी भी तरह की पूजा हो, किसी भी तरह की उपासना हो, किसी भी तरह की आराधना हो या किसी भी तरह का प्रार्थना हो, तो मूर्ति पूजा का अपना एक महाविज्ञान है जो कि एक भाव शक्ति आपको प्रदान करता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, आपको पॉजिटिव थॉट्स देता है, आपको एक दुर्गा जी, कितना भी निराश आदमी हो या कोई निराश स्त्री हो, जीवन में निराशा से उसका जीवन घिरा हो, लेकिन देख ले एक बार देवी का स्वरूप, देख ले कि किस प्रकार से वो आतताइयों और महिषासुर का वध कर रही है, लगने लग जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये जो प्रेरणा, ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन जीने की कला है। तो इसलिए जब हम ऐसी प्रेरणा को प्राप्त करते हैं तो उस जगह पर तो गलत नहीं है। अब रही बात पूजा की, पूजा पाठ की, तो देवता कौन है, जब ये समझ में आएगा तो पूजा पाठ का विषय भी समझ में आएगा। अतः कौन है देवता, हम आगे की वीडियो में आप इसकी, इस पर चर्चा होगी।
कि किसे देवता माना गया है, किसे देवता कहा गया है, हम उसको समझने का प्रयास करें।